छह साढ़े छह बज गए हैं। कैमरा देखते ही या वीडियो देखते ही उन्होंने दारू का ठेका बिल्कुल बंद कर दिया है। साढ़े छह बजे कुकर बंद करा, छह बजे का टाइम बंद करेगा। अंदर पहुंच लो जी। अरे खड़ा तो तू था तेरी। राम राम जी, आप देख रहे थे चर्चा 24। मैं हूं थारी के लिए कुलदीप केके। हरियाणा के अंदर 6 बजे के बाद जो कि लॉकडाउन की जो स्थिति है, एक दुकानें बंद करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया था। पर मैं पानीपत के आसन रोड पर खड़ा हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख चुके हो, एक ठेका है, दारू का ठेका है, जो साढ़े छः का टाइम हो चुका है। ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को, साढ़े छः का टाइम हो चुका है और 6:30 बजे भी वो दारू का ठेका ऐसे ही सुचारू रूप से चला हुआ है। आप देख सकते हो इस साइड जो ठेका है वहाँ पर लोग दारू लेने जा रहे हैं, उसको जाकर देखेंगे, पूछेंगे, कोशिश करेंगे उन चीज़ों की, उनसे बात करेंगे भाई क्या स्थिति है, क्या कारण है। यो 6:30 बज गए हैं और उसके बाद कैमरा देखते ही या वीडियो देखते ही उन्होंने दारू का ठेका बिल्कुल बंद कर दिया है। देखते ही उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। 6:30 बजे के बाद कौन सा रूल होता है, 144 धारा लगने के बाद भी 6:30 के बाद। भाई आ जा इधर, छोटे इधर आ जा। 6:30 बजे बाद तुमने बंद कराया है, ऐसा क्यों 6:30 बजे बंद कराया? मैं तो यहाँ रहता नहीं भाई, बताना एक बार। 6:30 बजे बंद कराया तो जो? हाँ। बंद कर दिया। 6:30 बजे कुकर बंद करा, 6 बजे का टाइम बंद करने का। अंदर पहुंच लो जी। अरे खड़ा तो तू था, तेरी वीडियो आ रखी है, यहाँ लोग दारू देने लग रहे तुम। 6:30 बजे बस अपने रूम पे जा रहा हूँ जी, वीडियो तो मेरी भाग रही। बंद तो तूने करा है, वीडियो तो तेरी आ रही है। पुलिस वाले तो तेरे से पूछेंगे अब आगे, तूने ये बंद क्यों किया है ये बता पहले तो। 6:30 बज गए हैं, तूने अब तक ये खोल के क्यों रखा था? तू यहाँ खड़ा था इसके पास, तेरी वीडियो है बकायदा। इधर आ जा छोटू, इधर आ जा। तेरी वीडियो है। 6:30 बजे के बाद, 6 बजे के बाद तुमने ठेका क्यों चालू रखा पता? भाई इसके मालिक भी होंगे अंदर, अंदर भी है लोग जो यहाँ पे दारू दे रहे थे। ये प्रशासन का काम है, प्रशासन का काम भी क्या करे, प्रशासन भी कहाँ कहाँ जाके खड़ा हुए। उनकी भी मैं हालात देख रहा हूँ सुबह से, कभी कहीं। पर मैं स्थिति बताना चाहूँगा, 6 बजे के बाद भी लोगों को ये नहीं है, लोगों की जान जा रही है, फिर भी 6 बजे के बाद भी ये ठेके खोल ले रहे हैं। अभी 6:30 का टाइम हो गया था और 6:30 बजे के बाद भी यहाँ पर दारू दे रहे थे, दारू बेच रहे थे। क्या इन लोगों को वे मौत के आंकड़े नज़र नहीं आते? क्या वे लाशें नज़र नहीं आती? कोई अपनी बहन को खो रहा है, कोई अपनी माँ को खो रहा है, कोई अपनी बेटी को खो रहा है, कोई अपने भाई को खो रहा है, क्या वे मौत नज़र नहीं आती? जब सरकार ने एक नियम लागू कर दिया है, अब 6 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खुलेंगी, तो ये ठेकेदारों के ठेके कौन सा ये भगवान ने दे रखे क्या? मैं पूछना चाहूँगा उन लोगों से, हालांकि अंदर बैठे हैं, उनको शर्म नहीं है इस चीज़ की भी देश के अंदर कितनी बड़ी आपदा आ चुकी है, लोग किस तरह से हाहाकार करके मरते जा रहे हैं, देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और लोगों की जो लाश है उनको फूंकने की जगह भी नहीं है। तो आप देख सकते हो ये ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए एक धब्बा है। मेरे अंदर से इस तरीके का दुख इसलिए निकलता है क्योंकि मैंने ये लाश देखी है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटी छोटी बहनें, छोटे छोटे भाई जो अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए रोते हुए देखे हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि ना इन लोगों की करतूतें दिखाना, सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप इन चीज़ों से सीखो और अपने परिवार को और अपने जो कि आपका पड़ोस का है या फिर आपके समाज के लोग हैं उनको एक मैसेज दे कि ना भाई इस प्रकार की चीज़ें करने से आपका जीवन और आपके परिवार का या आपके किसी भी व्यक्ति का जीवन बड़ा दुख में आ सकता है, बड़ी पीड़ा में हो सकता है। तो आप और भी दुकानें देख सकते हो, हालांकि परचून की जो दुकान है उनका समय कुछ और है क्योंकि वे एक जीवन को जीने की एक जो सामान होता है, जो भी होता है, जो राशन पानी होता है वो मिलता है वहाँ पर, इसलिए उनका समय कुछ और किया गया। पर ऐसी जो दारू के ठेके की बात करें हमें, जो समाज के लिए एक गलत चीज़ है, तो वे भी आज 6 बजे के बाद भी खुलते नज़र आ रहे हैं। तो मेरा उन साथियों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपको पता लगे कि ये इस प्रकार के लोग समाज के ऊपर किस प्रकार का धब्बा है। और मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से भी, ऐसे लोगों को अगर दिखता है तो तुरंत प्रभाव से उनका चालान किया जाए, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए।
मैं कैमरामैन विवेक के साथ कुलदीप के 24।